हेलो फ्रेंड्स, अपना मेडिकल टिप्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सरफराज एसएन क्रीम के बारे में कि इसका उपयोग कब और कैसे होता है, पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के आखिरी तक ताकि समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड, सरफराज एसएन ट्रिपल एक्शन क्रीम है जो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिसका प्राइस 79 रुपये है, जो कि फ्रैंको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसमें कंपोजिशन है क्लोट्रिमाजोल, बिक्लोमेथासोन, डाइप्रोपियोनेट एंड नियोमाइसिन सल्फेट, जिसका उपयोग जननांगों में इन्फेक्शन हो जाता है यानी योनि में खुजली हो जाती है तो इसका यूज किया जाता है, दांत खाद में यूज किया जाता है, या किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाए, एक्जिमा हो जाए तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के त्वचा पर लाल चकते हो रहे हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूज करने का तरीका। तो आप इस क्रीम को सुबह और शाम लगाएं जहां आपको परेशानी है। अगर आपको चेहरे पर लगानी है तो आँख मुंह बचाकर ही लगाएं। तो दोस्तों, इस क्रीम को बच्चे के पोंछ से दूर रखें। और सरफराज एसएन क्रीम दांत खाद, खुजली, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन में लगाएं, चाहे वो जननांगों में हो यानी गुप्त जगह पर हो, बॉडी के किसी जगह पर हो, तो इस कंडीशन में सरफराज एसएन क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका परेशानी ठीक हो जाएगा। अगर इस क्रीम को लगाने के बाद भी ठीक न हो रही हो तो आप किसी नज़दीकी डॉक्टर के पास दिखा कर इलाज करा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। तो अगर इस क्रीम को लगाने के बाद आपको ज़्यादा जलन होने लगी या ज़्यादा रेडनेस होने लगे तो इस क्रीम को लगाना बंद कर दें, समझ जाएं कि ये आपको सूट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी दवा का इस्तेमाल अपने मन से ना करें, किसी डॉक्टर के बताए अनुसार ही करें। और वीडियो के आखिरी में बताना चाहेंगे कि अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित या मेडिसिन से संबंधित जानकारी लेनी है तो मेरे वीडियो को कर दे लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।